कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ होगे, मजे में होगे। सो या इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस दिस मेकअप लुक राइट हियर एंड दिस लुक इज ऑल अबाउट मेकअप लुक अंडर रुपीज 1000। और आई थिंक ये मेरे सीरीज का जो है ये लास्ट वीडियो होगा। सो मैंने सोचा नहीं था कि पहले सीरीज की तरह मैं ये वीडियो करूंगी, बट मैंने स्टार्ट किया था मेकअप लुक अंडर 250, फिर 350, फिर 450, फिर 500, 700। इस तरीके से मैंने इस चैनल पे जो है वो वीडियोस डाले हैं, तो वो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये सीरीज जैसा बन चुका है। और शायद मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया था कि आप जो है ना वीडियो का टाइटल भी इस तरह से डालो कि सीरीज जैसा लगे। सो वो डेफिनेटली मैं ध्यान दूंगी। इस लुक को करने में मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज किए हैं वो अंडर रुपीज 1000 है, और सारे ही प्रोडक्ट के जो परचेज लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे, सो दैट हमारा क्लीन करना जो है वो इजी हो जाएगा, जो भी फॉल आउट होगा हमारा। तो आईज को पहले कंसील कर लेते हैं, और कंसीलर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लॉरियल का फुल वेयर कंसीलर। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर देंगे। कवरेज कितनी ज्यादा अच्छी है इस कंसीलर की, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वाकई में। ये फुल कवरेज कंसीलर है। इसको सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का लूज पाउडर, और ये लूज पाउडर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसको इस तरीके से मैं ब्रश पे लूंगी, और फिर हम अपने आईज को सबसे पहले तो सेट करेंगे, क्योंकि हमारा आईज जो होता है ना वहां पे लाइन्स वाइन्स होते हैं, तो क्रीज बहुत ही जल्दी हो जाता है। सो आई मेकअप के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ ये मार्स का आईज कैन किल आई शैडो पैलेट। ओ माई गॉड, ये पैलेट काफी ज्यादा खूबसूरत है, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। आप इसके कलर्स को देख सकते हो, काफी खूबसूरत से कलर्स हैं। इसके सारे कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और मुझे भी ये पैलेट काफी ज्यादा पसंद आता है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस पैलेट से ये जो येलो कलर आप देख रहे हो इसको लूंगी, और अपने आउटर वी पे इसे प्लेस करूंगी। इसके बाद फिर इसी पैलेट से ये ब्लैक शेड लेकर इसको मैं अपने इनर वी पे प्लेस करूंगी। इसी पैलेट से मैं ये ऑलिव ग्रीन शेड को अपने सेंटर ऑफ द लीड पे प्लेस करूंगी, मींस ये दोनों शेड के बीच में। इसके बाद मैं इसी पैलेट का ये ग्रीन ग्लिटर कलर है ना, इसको अपने आईलिड पे प्लेस करूंगी, जहां पर मैंने ये ग्रीन कलर प्लेस किया है। सो क्लीन कर लिया मैंने, अब मैं क्या करूंगी, एक लाइनर लूंगी, और लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक लाइनर, और मैं एक ट्विस्ट करने वाली हूं। सो ऑफ कैमरा मैंने दूसरी आईज में भी कर लिया, आप देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत और कितना ज्यादा ही ये ड्रामेटिक लग रहा है ये लुक जो है। मुझे मैंने एक विंग जो क्रिएट किया है मुझे उसमें ना मजा नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो। मुझे एक और डबल लाइनर क्रिएट करने का मन कर रहा है। अगेन लाइनर लूंगी एंड सो ये हुआ आई लुक कंप्लीट। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा ड्रामेटिक होगा, बट कोई नहीं, बहुत ही खूबसूरत टर्न आउट होकर आया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, स्पेशली इसके लिए आई लुक के लिए, कि आप लोगों को ये मेरी एक्सपेरिमेंट कैसी लगी। फेस पे मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ ये शुगर का ब्लिंक लीडर इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है, और जो शेड मैं यूज कर रही हूँ ये है पीच पॉपिन। तो इस तरीके से मैंने इसे लिया, काफी सॉफ्ट, काफी ड्यूई लग रहा है। प्राइमर के
के लिए मैं यूज करने वाली हूँ सुगर का बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सो प्राइमर डन। फाउंडेशन के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लुक जो है मेकअप लुक अंडर रुपीज 1000 है, तो मैं यूज कर रही हूँ ये सुगर का स्टिक फाउंडेशन इन द शेड 20 गलालो, और काफी काफी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये फाउंडेशन जो है, इसकी कवरेज काफी अच्छी लगती है। सो इसे मैं इस तरीके से लगा लूंगी, ब्लेंड काफी अच्छे से हो जाता है। कंसीलर के लिए सेम वही लॉरियल का कंसीलर और साथ साथ मैं लगा लूंगी। और इन सब को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूं ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर। और पाउडर को प्रेस पर लेकर अपने फेस पे ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का ब्रॉन्जर, बैक टू ब्रॉन्ज ब्रॉन्जर है ये, काफी अच्छा सा ब्रॉन्जिंग पाउडर है और इसका शेड भी काफी खूबसूरत है आप देख सकते हो। ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का ब्लश इन द शेड सुगर कैंडी, काफी खूबसूरत सा ये शेड है, मीन्स कोरल पीच टाइप का शेड है, काफी खूबसूरत। नोज पर भी इस तरीके से एंड चिन पे भी। हाइलाइटर के लिए भी मैं यूज करने वाली हूँ के ब्यूटी का ही हाइलाइटर इन द शेड सनलिट गोल्ड, और काफी खूबसूरत सा ये शेड जो है आप देख सकते हो। और इसी पैलेट से ना मैंने एक पिंक शेड लिया है और अपने लोअर लैश लाइन पे इसे लगा रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लॉरियल का वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा है, ये काफी अच्छा लेंथ एंड वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ये मस्कारा जो है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, और शेड जो मैं यूज कर रही हूँ ये है एटीट्यूड। पहले मैंने सोचा कि मैं मीन्स अबव 500 लिपस्टिक यूज करती हूँ, बट ना मुझे ये शेड इतना खूबसूरत लगता है ना कि मुझे मन नहीं किया कोई और शेड यूज करने का, और इस आई लुक के साथ ना ये शेड बहुत ही अच्छा जाएगा। सो या गॉर्जियस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये शेड जो है इस आई लुक के साथ। आप चाहो तो न्यूट के साथ भी जा सकते हो, बट मुझे ना ये शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है और मुझे इस आई लुक के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो लिपस्टिक इज डेफिनेटली अप टू योर चॉइसेस। मेकअप फिक्सर मैं यूज करूंगी ये मार्स का, एंड दिस इज इट, ये हुआ मेकअप लुक कंप्लीट एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक गाइज, दिस इज हाउ इट टर्न आउट, आप देख सकते हो। मुझे तो बहुत
बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है आज ना अपने आई लुक के साथ, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न आउट होकर आया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये एक्सपेरिमेंट कैसी लगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और फिर आप लोगों से मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। सो या सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।